हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बस आप ऐसे ही खुश रहिए। तो मैं जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैंने उसको लिया था यानी कि परचेज किया था, मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने जस्ट सिर्फ खरीदा था। आपको पता है मैं नए नए प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करती रहती हूँ अपने पे कि कैसा है, ये कैसा है। लेकिन जब मैंने उसको लिया, मुझे नहीं पता था वो इतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया, कुछ दिन अप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट था, मैंने फर्स्ट टाइम ही जब अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम ही मुझे कुछ ऐसा फेस पे फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप आगे देखेंगे कि मुझे कैसा फील हुआ था। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिसके बारे में मैं बात कर रही थी वो कोई ऐसी ही चीज नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, मैंने सोचा कुछ था लेकिन रिजल्ट देख के मैं खुद हैरान रह गई। वो है डर्माटॉक का स्क्रब। आप देख सकते हैं ये डर्माटॉक का स्क्रब है और इसका रिजल्ट बहुत 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 ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम में ही, पर लगाते लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या रिजल्ट हमारी स्किन पे देने वाला है। तो इसका पहले प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 299 और आपको ये ऑनलाइन सस्ता मिल जाएगा। डिस्काउंट चल रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता है डिस्काउंट चल रहे होते हैं, सेल चल रही होती है, वहां से आपको सस्ता मिल जाएगा। तो मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे कितने का पड़ा था, मैंने और भी सामान मंगवाया हुआ था तो इसका मैं भूल गई हूँ मुझे कितने में पड़ा था, कितना डिस्काउंट मिला था मुझे इसके ऊपर। लेकिन ये जो स्क्रब है इसमें सब नेचुरल चीजें पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं भी वो इंग्रेडिएंट भी मैं आपको सारे पढ़ के बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। अब इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट है, मैं पहले उनके बारे में बता दूं। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट क्या पड़े हुए हैं जो कि वही ज्यादा काम करते हैं। एक तो पड़ा हुआ है, इसका नाम पहले मैं बता देती हूँ, इसका नाम है डीप क्लिंजिंग फेस स्क्रब। डर्माटॉक का है ये और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड पड़ा हुआ है। ये दोनों ही हमारे फेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अब मैं बता देती हूँ, जो हाइलुरोनिक एसिड है वो क्या करता है, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्पी करता है, लिफ्टेड करता है आपकी स्किन को और साथ में जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है उससे भी ये फाइट करता है। और जो सैलिसिलिक एसिड है वो क्या करता है, आपकी स्किन पे जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसको क्लियर करता है और जो ब्रेकआउट हो जाते हैं उसको भी ये हील करता है, यानी कि ठीक करता है आपकी। और ये दोनों चीजें आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती हैं, ड्राई नहीं करती हैं। जैसे स्क्रब करने के बाद हमारी स्किन जो है खिंची खिंची सी हो जाती है, ड्राई सी हो जाती है, ये वैसा नहीं करता है। आपकी स्किन को बिल्कुल रिफ्रेश रखता है और जो ब्लैमिशेज हो जाते हैं स्कार के कारण, एक्ने के कारण जो हमारे फेस पे ब्लैमिशेज हो जाते हैं उसको भी ये फेड करता है। और जो हाइलुरोनिक एसिड जो मैंने आपको बताया है और सैलिसिलिक एसिड बताया है, ये आपकी स्किन जो है इम्प्योर करती है, मीन्स की इम्प्योरिटीज बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ही कर देती है और स्किन को लिफ्ट करता है। ना कि सिर्फ जो हमारी स्किन डेड स्किन सेल होते हैं, ना कि उससे, यानी कि ये उससे तो ठीक करता ही, और साथ ही साथ जो आपका एक्सेस ऑयल होता है, डर्ट होती है, उससे भी ये बहुत ही जल्दी ठीक जाने की उसको भी ये बहुत जल्दी कवर करता है। और साथ में इसके साथ साथ ये क्या करता है, आपकी स्किन को इन्फ्यूज करता है। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत ही बेनिफिट देती है हमारी स्किन को। जो आपके सैलिसिलिक एसिड और क्या करता है, जो आपके ब्लैक हेड होते हैं या आपके वाइट हेड होते हैं या जो आपके क्लॉग पोर्स होते हैं उनमें भी ये बहुत हेल्प करता है और ब्लैमिशेस को भी ये, मैंने जैसे कि बताया, फेड करता है और आपकी स्किन को एक यूथफुल स्किन बनाता है। ये जो दोनों ये चीजें हैं ये काम करती हैं। और इसके साथ और भी इंग्रेडिएंट है, वो सब नेचुरल है, आपने सबके नाम सुने हुए हैं, मैं नाम पढ़ के बता देती हूँ। मैंने आपको बता दिया है इसके दो मेन इंग्रेडिएंट के नाम तो मैंने बता दिए हैं। उसके साथ अब इसमें पड़ा हुआ ग्लिसरीन पड़ा हुआ, वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ पपाया, बनाना, स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन, विटामिन ई ऑयल, राइस स्क्रब, वॉलनट शेल पाउडर और फुलर अर्थ, ये सब चीजें इसमें पड़ी हुई है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट में इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यही लिखे हुए हैं। ये सब के सब नेचुरल है, ये आप सबको पता है ये सब नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल कुछ भी नहीं है। इन्होंने लिखा नहीं हुआ है पैराबेन फ्री है या ऐसा मिनरल फ्री है, बट ये इसमें ये इंग्रेडिएंट है, मतलब इट मीन्स ये बिल्कुल सेफ है सभी स्किन टाइप्स के लिए, हर कोई इसको यूज कर सकता है। तो
इसका प्राइस भी मैंने आपको बताया, प्राइस इसका है 299, तो प्राइस भी मैंने आपको इसका बता दिया है। तो इसकी शेल्फ लाइफ आपको 3 इयर्स तक मिल जाती है। तो ये इतने अच्छे से काम करता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही यूथफुल दिखेगी, ग्लोई दिखेगी, और साथ में आपकी स्किन एकदम से मक्खन जैसी दिखेगी। वो आप आगे देखेंगे कि मैं किस तरह से, मतलब कि एक तरह से मैं पागल हो गई अपनी स्किन को बार बार पैम्पर कर रही हूँ, बहुत 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 अच्छी स्किन कर दी इसने मेरी, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सोचा ही नहीं था ये इतने अच्छे से काम करेगा, इतने अच्छे से वर्क करेगा हमारे स्किन के ऊपर। इसने बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो चलिए अब मैं इसका आपको डेमो दे देती हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आता है, इसकी अब मैं ओपन करके बता देती हूँ। इस तरह से बॉटल में आता है, देखने में ग्लास बॉटल दिखती है लेकिन ये प्लास्टिक की है, ब्लू कलर में। ओपन करोगे तो आपको एक लिड मिल जाएगी और इसको हम निकाल देते हैं। देखिए मैंने कितना यूज कर लिया हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ दिखता है। तो आपने लेना है इतना सा, पहले आप अपना फेस जो है पानी से गीला कर लीजिए। ये पानी है, इस तरह से मैंने गीला कर लिया है। अब मैं इसको स्क्रब करके बताती हूँ। इसके जो ग्रैनुअल है थोड़े से मोटे हैं, तो ध्यान से ही अपने फेस पे इसके साथ स्क्रब करना ताकि जो आपकी स्किन है वो हार्श ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से है, ये तो थोड़े से ही मोटे हैं बस इस तरह से। और यहाँ पे आपका इफेक्टेड एरिया है ना, उस पर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना लेकिन हल्के हाथों पे, हल्के हाथों से, लेकिन ज्यादा आप वहां पे ही इसको स्क्रब करने की कोशिश करना ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आपने इस तरह से करना है इसको स्क्रब। स्क्रब आप सबको पता है 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं करते हैं, बस आपने 2-3 मिनट ही करना। अगर आपको लगता है आपकी स्किन इसको थोड़ा सा और हैंडल कर सकती है तो आप 5 मिनट से ज्यादा मत कीजिए, बट स्क्रब जो है 2-3 मिनट्स काफी होता है आपके फेस के लिए। तो बस आप इतना ही करिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो 5 मिनट्स तक भी करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जिनको पता है आपकी स्किन ज्यादा ही सेंसिटिव है, हल्के हाथों से सिर्फ 3 मिनट्स तक ही करिए, उससे ऊपर मत करिए। तो मेरे नोज एरिया पे पिगमेंटेशन है, मैं ज्यादा वहां पे ही कंसंट्रेट करती हूँ। और अपर लिप्स पे देखिए मैं कितने हल्के हाथों से कर रही हूँ, इस तरह से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको करना है इस तरह से। तो बस इस तरह से जब आप कर लोगे तो आपने क्या करना है, अपना फेस वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। तो उसके बाद आप फेस वॉश करके देखना आपकी जो फेस है कितना फर्क दिखा है आपको, इंस्टेंट आपको दिख जाएगा। तो अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो देखिए मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, अब आप देख के बताना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं अपना फेस पानी से वॉश कर रही थी ना, सीरियसली यार ऐसे स्लिप हो रहे थे मेरे हाथ, ऐसे करके ऐसे कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सोप है तो स्लिप हो जाता है, उस तरह से मेरे हाथ मेरे फेस से स्लिप हो रहे थे। और अभी भी मेरे हाथ ऐसे ना, मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। मैंने बहुत सारे स्क्रब यूज किए हैं, मैं आपको कहती थी कि मेरा बायोटिक का फेवरेट है, लेकिन ये ऐसे जैसे कि क्रीम लगा ली है मैंने कोई सॉफ्ट वाली, जैसे बेबी की स्किन होती है उस तरह से मुझे फीलिंग आ रही है। अभी भी मेरी स्किन ऐसे बिल्कुल ही बटर की तरह दिख रही है, हाथ लगाने से ऐसे लग रहा है जैसे बटर पे हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल स्मूथ सा स्लिप हो रहा है मेरा हाथ, सीरियसली। तो मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ, ये देखिए शाइन भी कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगा ये, अगर आप लेना चाहते हैं आप भी लेना, क्योंकि जब आप इसको यूज करोगे ना आप बोलोगे कि मैं सच बोल रही थी कि हाथ जो है स्लिप हो रहे थे टूटते हुए भी। और अब मैंने अपना फेस तो टॉवल के साथ सोक भी कर लिया है, बट अभी भी मेरी स्किन, मेरा मन नहीं कर अपने हाथ पीछे करने का, इतनी अच्छी लग रही है मुझे अपनी स्किन, मैं आपको बता नहीं सकती।
तो अगर आपको लेना हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, मुझे जरूर 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 बताना कि आपकी स्किन भी क्या मेरी तरह से स्लिप कर रही थी, क्योंकि मेरी तो कर रही है अभी भी, ऐसे मन नहीं कर रहा कि अपने हाथ में पीछे करूं, सीरियसली बहुत ही सॉफ्ट सी लग रही है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये भी स्क्रब बहुत अच्छा है, मैं बहुत सारे स्क्रब यूज करती हूँ, लेकिन मैंने एक बायोटिक का आपके साथ शेयर किया है, उसका फेस वॉश जो था विद स्क्रब, और एक पपाया का स्क्रब मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये थर्ड वाला है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर इन फ्यूचर मुझे कोई और भी अच्छा लगेगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, मैं लिंक कोशिश करूंगी कि दे दूं आपको, तो आप इसको अगर लेते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपके फेस पे क्या इसने रिजल्ट दिया है, कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कैसा लगा है, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसा स्क्रब है जो कि काम भी बहुत अच्छे से किया है इसने, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो बेझिझक होकर आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा खुद पे यूज करने के बाद ही, और काफी देर तक खुद पे यूज करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आप शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, हर किसी के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। सो फ्रेंड्स, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, बाय।